देश तो ही लोग चलाते हैं महात्मा और गांधी। महात्मा वो जिनके गुनाहों का कोई सबूत ना हो। और जी मैं आज तक मेरी ना बहुत लोग से दुश्मनी और कैसी भी रही, लेकिन राशिद ने कभी किसी के घर वालों को हाथ तक नहीं लगा बाखुदा। अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। और कितना सताएगी किसे मालूम, जिंदगी झंडा फिर भी। इतिहास कोई एक दिन में नहीं रचता, बल्कि उसकी नींव काफी पहले पड़ गई होती है। देश की लगभग हर भाषा की फिल्मों में अभिनय कर चुके रवि किशन की गिनती देश के उन गिने चुने कलाकारों में ही होती है। रवि किशन आज भोजपुरी फिल्मों के महानायक हैं। यही नहीं, हिंदी दक्षिणी भाषाई फिल्मों सहित अन्य भाषाई फिल्मों में भी छाए रहते हैं। इतिहास गवाह है कि हर सफलता की नींव काफी पहले रख दी जाती है। रवि किशन का जन्म 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पंडित श्याम नारायण शुक्ला व जड़ावती देवी के घर हुआ। रवि जब मुंबई पहुंच गए तो वे अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से फोटो लेकर इस ऑफिस से उस ऑफिस भटकते रहते थे, और जब पेट्रोल के पैसे नहीं रहते तो पैदल ही घूम घूम कर निर्माता निर्देशकों से मिलते रहते थे। कहते हैं मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। रवि ने दूरदर्शन के एक धारावाहिक हेलो इंस्पेक्टर से अपनी पहचान बनानी शुरू की। कई हिंदी फिल्मों का निर्माण कर चुके निर्देशक मोहन जी प्रसाद ने भोजपुरी फिल्म निर्माण करने का फैसला किया और रवि किशन को अपनी पहली फिल्म सैया हमार में बतौर हीरो लॉन्च किया। आज रवि किशन फिल्म जगत के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो एक साथ कई भाषा की फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं। रवि किशन अब अपनी माटी का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हैं। अब उनकी योजना अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक विशाल फिल्म सिटी का निर्माण करना है। कुणाल के साथ रीता, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। देश तो ही लोग चलाते हैं महात्मा और गांधी। महात्मा वो जिनके गुनाहों का कोई सबूत ना हो। फौजी में आज तक मेरी ना बहुत लोग से दुश्मनी और कैसी भी रही, लेकिन राशिद ने कभी किसी के घर वालों को हाथ तक नहीं लगा बाखुदा। अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। और कितना सताएगी किसे मालूम, जिंदगी झंड बा फिर भी।